अस्सलाम वालेकुम माय व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों के सामने आज की जो मेरी मॉडल है, मैं उसको मेहंदी की ब्राइड, आप टेक कर लें प्लीज़, टेक कर लें, मेहंदी का लुक दूंगी उसको। उनका ड्रेस भी आप देख सकते हैं, माइयों का ड्रेस है इसका। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया था और बहुत बिगनर जो जूनियर्स लोग हैं उनको बताया था कि मेकअप जो है कैसे करना है, ठीक है। आज भी मैं आपको साथ साथ प्रैक्टिकल मतलब बताऊँगी कि कौन सी ब्रांड के साथ मैंने अपनी मॉडल का काम स्टार्ट करना है। और आपको अगर अच्छी लगेगी मेरी ब्राइडल तो लाजमी मुझे बताइएगा कमेंट्स में कि आपको जो है मेरी मॉडल कैसी लगी और उनका मेकओवर आपको कैसा लगा, ठीक है। अब हम स्टार्ट कर लें। स्टार्ट हम जैसा कि प्राइमर लगाएंगे थोड़ा सा इसके फेस पे। प्राइमर जो है मैं आपको ब्यूटीफाई आमना का दिखाती हूँ जी। फ्रेंड्स, आपने बहुत थोड़ी मिकदार में जो है प्राइमर यूज़ करना है, ठीक है। ये पकड़िए ज़रा जी। फ्रेंड, अब मैं यूज़ करूँगी क्रेलॉन की एवरी कलर में टीवी पेंट स्टिक्स, ठीक है। और ये माइयों की ब्राइड है, ठीक है, मैं आपको पहले बता दूं। और मैं इसका ज़्यादा हैवी मेकअप नहीं करूंगी। जी फ्रेंड, अब मैं ये यूज़ करूंगी काशी की फाउंडेशन, और आपने ज़्यादा मिकदार में नहीं लगानी, ठीक है। आपने जस्ट इसको टैप टैप करना है। जी फ्रेंड, ये क्रेलॉन का लूज़ पाउडर है TL 11। जी फ्रेंड, जैसा कि आप देख रहे हैं मेरी मॉडल का कलर ऑलरेडी फेयर है, तो मैं ज़्यादा जो है इसके ना तो फाउंडेशन, आइज बंद करें, ना तो ज़्यादा फाउंडेशन लगाऊंगी, तो ना ही ज़्यादा जो है मैं ये प्रेस पाउडर यूज़ करूँगी, ठीक है। और इसकी बहुत अच्छी और सॉफ्ट लुक आपको दिखाऊँगी, ताकि आप लोग भी जो हैं आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि माइयों की जो ब्राइडल है, मेहंदी की ब्राइड है, उसका सॉफ्ट सा मेकअप जो है हमने ब्राइट लुक में कैसे रखना है, ठीक है। मैं एक पाउडर आपको बताती हूँ। हाँ जी, इसको ये भी लूज़ पाउडर है ब्यूटी क्यूट का। ये है, ये देखिए, इसमें ना थोड़ा सा ग्लिटर है। अब ये देखें, मेहंदी पे जब आप लगाएंगी अपनी ब्राइड के, तो ये रात तक जो है इसकी स्किन जो है वो शाइन करेगी, ठीक है। रात को ही मैं यूज़ करूँगी ब्राइड की। जो देखें, आप खुद नोट करें कि उसके फेस पे कितनी अच्छी शाइन आ गई। थोड़ा सा साइड पर जाएँ, आप देखें कितनी शाइन आई है इनके फेस पे। और ये माइयों की जो ब्राइड है मेहंदी की, उनपे जी फ्रेंड, ये मैं इनके अब कंटूरिंग कर रही हूँ नोज़ की। इनके नोज़ यहाँ से थोड़ा सा अनबैलेंस है, तो हम इसको जो है ख़ुद बैलेंस करेंगे, ठीक है। स्माइल करें थोड़ा सा। ठीक है, ब्लश एंड पैलेट्स हैं, ठीक है। मैं इनको भी यूज़ करूँगी, ताकि इनकी जो चीक्स है वो इन पर ग्लिटर्स वाला, और नोज़ पे लगाने के लिए ये मोस्टली मैं यूज़ करती हूँ, ठीक है। ये देखिए कितनी शाइन कर रही है इनकी नोज़, ये देखिए, ठीक है। जी फ्रेंड, ये छोटी सी एक गोल्ड की शेड है, ये इनर पे मैं यूज़ करूँगी, और देखिए अच्छा जी। ये मैं यूज़ कर रही हूँ स्टेज लाइन का मेरा पैलेट है, और ये मैं इसमें ये टू कलर्स ले रही हूँ मिक्स करके, ठीक है। इसमें थोड़ा सा मैं ब्राउन ऐड करूँगी। जी फ्रेंड, ये देखिए काशी का जो ये येलो कलर में मैं यूज़ कर रही हूँ इसकी आईबॉल पे, ताकि शूट जब इसका होगा उसमें ये ज़्यादा इन्हेंस होगी शेड, ठीक है। लाइट का मतलब ये नहीं कि बहुत लाइट करूँ तो पिक्स में भी जो है मेकअप अच्छा ना लगे, ठीक है। अब ये देखें, डस्ट आउट। जी फ्रेंड, ये काशी का जो है सीडर में आईबॉल पे आई बेस लगाने लगी हूँ, और आपने बहुत थोड़ी क्वांटिटी में, बहुत कम क्वांटिटी में लेना है। अगर आप ज़्यादा लेंगे तो आपके जो ग्लिटर्स में लाइन और पैच पड़ जाएंगे, बहुत बहुत लाइट। ये दोनों आईज़ में मैंने ये ब्लेंडिंग करनी है इसकी, आपने यूँ लेना है। ग्लिटर खोलें बेटा, ये देखिए आपने यूँ करके, आप प्लीज़ साइड को हो जाए ना, बहुत अंधेरा आ रहा है, नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। ये
देखिए आपने इसी तरह टैप टैप करना है अपने यूं। आई लैशेज को प्लीज़ कम लगा दें। और जो कम है मैंने पहले भी आपको बताया, आप स्वीट टच की भी ले सकती हैं, वो भी बहुत अच्छी है, ठीक है। उसके बाद आप जो है क्रिस्टियन की भी बहुत अच्छी है। उसके बाद जो है आई लैश गम है काशी की भी बहुत अच्छी है। ज़रूरी नहीं है आप काशी की ही लें, आपको जो भी दिल करता है आप उसको जो है लगाने का तरीका अच्छे तरीके से आना चाहिए, आपको वो भी जो है बहुत अच्छी टिक जाएगी, बहुत अच्छे स्टे करेगी, ठीक है। जी फ्रेंड्स ये रिवाज का जो है आईलाइनर है, ये मैं फिनिशिंग के लिए यूज़ करती हूँ, ठीक है। तो ये इसकी रेंज भी है 500-600 का है, तो इसकी जो आईज़ है इसको मैंने ये फिनिशिंग के लिए यूज़ किया है, ठीक है। फ्रेंड्स तब तक आई लैशेज ट्राई हो जाएँ तो मैं अपने मॉडल के मैं मिक्स करें थोड़ा सा ब्लेंड, हाँ बंद कर लें, ये पकड़ें। अब हम करेंगे तीन मॉडल के स्टाइलिंग, जो कि आपको पता है आजकल चल रही है, बीड्स आगे से ब्रेड बनाएंगे और लूज कल या एक्सटेंशन यूज़ करेंगे, और वो भी आज आपको स्प्रे दें मुझे बेटा। जब आप ये पार्ट स्ट्रेट करके ऊपर करेंगे तो इनकी जो है लुक बहुत नीट आएगी, इनकी बैक कमिंग की, ठीक है। ये देखिए देखिए कितनी नीट मैंने बैक कमिंग की है, ऊपर करें थोड़ा सा ये। इसी तरह आपने नीट बैक कमिंग करके, तो ये जो बाल है आप देख लें बहुत रफ़ और डैमेज है, हमने इन बालों को अभी क्रिम्प भी नहीं किया, अगर ये क्रिम्प करते तो ये बहुत ज़्यादा बुरी हालत में हो जाने थे, ठीक है। अब मैं इन्हीं बालों का आपको जो है हेयर स्टाइल बताऊँगी, फॉर एग्जांपल अगर मुझे एक्सटेंशन की ज़रूरत पड़ी वो भी लगाऊंगी, अगर नहीं तो आपको बहुत अच्छा लगेगा मैं इसका हेयर डू। इधर आ जाए थोड़ा सा, जी फ्रेंड्स आप देख रहे हैं बहुत टूटे और डैमेज और रफ़ बाल हैं बैक से, बट फिर भी जो है हम नीट तरीके से इनकी बैक कमिंग करें, ठीक है। मुझे स्प्रे ठीक है, अब हम फ्रेंड से इनकी ब्रेड बनाएंगे और बैक से इसके कर्ल्स करें। अच्छा पीछे रखें, फ्रेंड्स देख रहे हैं आप इनके बहुत बेबी हेयर्स हैं, तो वो बहुत मुश्किल से जो है हमने पहले ब्रेड बनाई थी, लेकिन ब्रेड जो है बहुत छोटे बाल थे, वो इतनी नीट नहीं।
बन रही थी, ठीक है। तो हमने स्टाइल अब इसका चेंज किया है ताकि इसको जो सूट कर रहा है हमें वो काम करना है, ठीक है। तो बहुत इनके छोटे बाल थे और इनके बेल्ट जो है ना, ये मैं वैक्यूमिंग कर करके इनका जो है फ्लेयर बहुत बड़ा करूँगी और फाइनल अपने आपको दिखा रही हूँ। मैं आप एक्सटेंशन लगाऊंगी, फिर वो मैं आपको दिखाती हूँ कि आपने इसमें कैसे एक्सटेंशन एडजस्ट कर। जी फ्रेंड, जैसा कि आप देख रहे हैं मेरी मॉडल की लेंथ बहुत शॉर्ट है, हम अब एक्सटेंशन का सहारा लेंगे और एक्सटेंशन भी जो है इसके बालों के साथ जो मैच करेगी हम वो लगाएंगे, ठीक है। आपको समझ आई है आज के हेयर स्टाइल की? आप बहुत कमेंट्स में मुझे एक तो मैसेज आया था कि आप ये मैं डीपली जो है इसके बारे में बताएं कि आपने हेयर स्टाइल कैसे बनाया। आपके सामने आज मैंने बताया और कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि आपको जो है मेरा हेयर डू कैसा लगा और आइस में पिंस लिए हैं आप ना मुझे पिंस दें। जी तो फ्रेंड्स, आप मेरी मॉडल देख सकते हैं, मैंने आपके सामने इनका हेयर डू भी किया है और आईज़ मेकअप भी किया है इनका, और आप देख सकते हैं। तो कमेंट्स में बताइएगा कि आपको जो है मेरी मॉडल कैसी लगी। ओवरऑल लुक मैंने आप लोगों के सामने हाइलाइटर, हेयर स्टाइलिंग एंड ड्रेस ऑल लुक जो है मेरी मॉडल की आपको कैसी लगी, ठीक है। तो कमेंट्स में बताइएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरा यूट्यूब चैनल, ठीक है। तो और आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा, ठीक है। बहुत शुक्रिया।